नमस्कार, ज्ञान विज्ञान के नए अंक में आप सभी का स्वागत है। ज्ञान विज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और शोध की दुनिया के सभी महत्वपूर्ण समाचार लेकर उपस्थित होते हैं। मैं हूं स्मृति रस्तोगी और आइए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दुनिया के पहले 205 मेगाहर्ट्ज स्ट्रेटोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर विंड प्रोफाइलर रडार ने कार्य करना आरंभ किया। आम के मौसम में हमने केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान लखनऊ का दौरा किया, जहां मौजूद है दुनिया भर में सबसे ज्यादा आमों की प्रजातियां। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इस्तेमाल के लिए मान्यता प्राप्त ईंधनों की सूची जारी की। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में वैज्ञानिकों ने नारंगी के छिलकों के फिर से इस्तेमाल करने की हरित विधि विकसित की, जो पर्यावरण के माकूल होने के अलावा वाणिज्यिक रूप से भी फायदेमंद है। नींबू की प्रजातियों के फल या सिट्रस फल स्वास्थ्य तथा बेहतर पोषण के फायदों के लिए मशहूर हैं। दुनिया भर में प्रतिवर्ष 110 मेट्रिक टन से अधिक सिट्रस फलों का उत्पादन किया जाता है, लेकिन छिलकों के रूप में इनका 40-50% भाग बर्बाद हो जाता है। छिलकों का अधिकांश हिस्सा फेंक दिया जाता है। हालांकि प्रसाधन तथा सुगंध के रूप में कुछ छिलकों का इस्तेमाल जरूर होता है। छिलके कम से कम बर्बाद हों, ये सुनिश्चित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक एक विधि विकसित की है, जिसमें नारंगी के छिलकों को प्लास्टिक कचरे के एक प्रकार पॉलीस्टाइरीन के साथ मिलाकर फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये उत्पाद पर्यावरण के भी अनुकूल है। पेश है ज्ञान विज्ञान की रिपोर्ट। प्यास बुझाने वाले सिट्रस फल स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक होते हैं। विश्व भर में सिट्रस फलों का वार्षिक उत्पादन लगभग 110 मैट्रिक टन होता है। इसमें से 60% से अधिक संतरों का उत्पादन होता है, जिन्हें ताजे फल के रूप में खाया या जूस के रूप में पिया जाता है। हालांकि प्रसंस्करण से पहले फलों के मोटे कड़वे छिलके को उतार दिया जाता है। वास्तव में जूस उद्योग से बड़ी मात्रा में संतरे के छिलकों का कचरा उत्पन्न होता है। इस कचरे में से कुछ को प्रसंस्कृत करके सुवास, सुगंध, प्रसाधन या अपमार्जक के रूप में प्रयोग किया जाता है। हालांकि इस प्रक्रिया में बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग होता है और उत्पादों को भी प्रसंस्करण और शुद्धिकरण की जरूरत होती है। इसलिए संतरे के इस कचरे को जहां तक हो सके प्रभावी रूप से प्रसंस्कृत करने और इसके नए अनुप्रयोग करने एवं ढूंढने की जरूरत है। ज्योमेट्री की स्केल से एक सरल प्रयोग किया गया और संतरे के छिलकों ने IIT हैदराबाद के डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा और उनकी शोध टीम का ध्यान आकर्षित किया और उन्होंने संतरे के छिलकों के कचरे के उपयोगी और दीर्घकालिक तरीके ढूंढने का काम शुरू किया। We have devised new methodologies in our lab in which we not only use the orange peel extract in its pure form but also allows three layers to form and each layer is used in many different ways in innovative manner. So in a way we have come up with the novel green and eco-friendly technologies to use this agro-waste product. रोचक बात है कि संतरे के छिलकों का साधारण सत्व भी पॉलीस्टाइरीन के पुनर्चक्रण के लिए प्रभावी है, जो एक प्लास्टिक है और इसका उपयोग व्यापक रूप से अन्य अनुप्रयोगों के साथ उपयोग करके फेंकने योग्य प्लास्टिक कटलरी बनाने में होता है। IIT हैदराबाद ने यह भी पाया कि संतरे के छिलकों को अलग करने के बाद तीनों परतों ने पानी से छितरे तेल को दूर करने में अपनी अलग अलग उपयोगिता दिखाई। संतरे के छिलकों के सत्व के बीच वाली परत से प्राप्त कार्बन के नैनो कण को लिथियम बैटरी के ऊर्जा संग्रह करने वाले इलेक्ट्रोड बनाने में उपयोगी पाया गया, जबकि तीसरी परत का उपयोग जिलेटिन नैनो फाइबर बनाने के लिए जिलेटिन के विलायक के रूप में किया जा सकता है, जिसकी बाद में बायोमेडिकल अनुप्रयोगों में संभावना है। इस प्रकार डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा और उनकी टीम ने मानवता के साथ साथ पर्यावरण के लाभ के लिए कृषि कचरे के बड़ी मात्रा में उपयोग के लिए नवीन हरित एवं दीर्घकालिक रास्ते ढूंढे हैं। अनुसंधान जारी है और भविष्य में टीम को सिट्रस के कचरे के और अधिक उपयोगी अनुप्रयोग और सबके लाभ के लिए व्यापारिक उपयोग के आसान तरीके मिलने का विश्वास है।
वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद हम आपको ले चलेंगे हैदराबाद, जहां वैज्ञानिकों ने नारंगी के छिलकों से तेल रिसाव की सफाई की तकनीक विकसित की।